जंतर मंतर पर धरना दे रहे जो तमाम खिलाड़ी हैं, जब उनको उससे हटाया गया तो हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पर जाकर उन्होंने कहा कि अब जो मेडल है उन्हें बहा देंगे। लेकिन इस बीच जो नरेश टिकैत हैं उनके बीच पहुंचे और झोली फैलाकर उनसे कहा कि आप मेडल मुझे दे दें, 5 दिन का समय दें, कोई ना कोई निर्णय निकाला जाएगा इसको लेकर के। मुजफ्फरनगर के सौरम में आज बड़ी खाप पंचायत बुलाई गई है। नरेश टिकैत जी हमारे साथ है, ये बताइए 5 दिन का समय आपने मांगा था खिलाड़ियों से, 2 दिन बीत गए हैं, आज क्या आप फैसला लेने वाले हैं? नहीं, एक तो यही अपने मन में से आदमी काट दो, 5 दिन का समय हमने नहीं मांगा, 5 दिन का समय उन खिलाड़ियों ने दिया हमें। अगर चलो थारे सम्मान में हम यहाँ से उठ जाएंगे, मेडल भी वापसी कर देंगे, नहीं प्रभावित करने के, और 5 दिन का समय मैंने कह रही आपको दे दिया हमने, अगर 5 दिन में नहीं कुछ हुआ तो हम कुछ भी कदम उठा सके उसकी जिम्मेदारी भाई आप लोगों की या केंद्र सरकार की या किसी की जिसकी भी हो उसकी जिम्मेदारी होगी। तो हम तो बड़े चिंतित है उस बात पे, आखिर को कोई इस तरह का एक नया वो हो जा, शुरू हो जा, उन्होंने किसी लड़की ने इस तरह का कदम उठा लिया, आत्महत्या जैसे वो कदम उठा लिया तो बड़ा गंभीर हो जाएगा मामला। हम तो इस बीच में यही कह रहे हैं भाई बातचीत करें और इस मामले का सुलझावा करें, और सुलझावा भी कुछ नहीं, सिर्फ यही है उसकी गिरफ्तारी की बात है। सरकार उसे फिर प्रधानमंत्री अपने पास में बैठा लो, उसे कितना राष्ट्रपति बना लो, कुछ ही कर लो, फिलहाल तो स्थिति उसे गिरफ्तार करने की है, बीरेंद्र भूषण की, कोई समझौता नहीं, और कोई समझौता नहीं। हाँ। जी आप कह रहे हैं गिरफ्तारी हो, अभी जो खबरें आ रही हैं दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही दिल्ली पुलिस में जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे सीधे तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जा सके, यानी कि मामला कोर्ट में चलेगा उसके बाद ही होगा, तो ऐसे में गिरफ्तारी मांग सही है? नहीं, जो वो केस है, क्या बोल रहे हैं सब, पॉक्सो, हाँ जी, तो उसमें तो उसका तो हमने भी पढ़ा, हमने भी पूछा, तो उन्होंने तो यही बताया उसमें कोई वो नहीं, पहले तो कमेटी भी गठित हुई थी उसमें, वो कमेटी भी भंग होगी और उसमें तो सीधा हुआ है, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो कोई भी वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी की बात है। तो उसके तहत अगर उसमें जब ये कानून बन रहा और इसमें पूरे देश में ये कानून है, अगर ये वो है तो इसमें तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, वो गिरफ्तार तुरंत गिरफ्तारी हो, कोई जमानत नहीं है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई केस चलना, इसमें तो पहले तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी की बात है। लेकिन जिसमें एक नया पहलू ये भी है, एक तो मामला है काफी पुराना आरोप का, दूसरा ये जो नाबालिग की बात की जा रही थी शिकायतकर्ता, उनके परिवार के एक पहलवान है, उनके चाचा ताऊ लगते हैं, वो सामने आए, उन्होंने कहा है कि लड़की बालिग है, इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है कि लड़की बालिग है या नाबालिग है, दावा किया जा रहा है कि वो बालिग है। भाई उस ज्यादा गहराई में तो हम बढ़ते नहीं, हमें तो सिर्फ जितक बात है, कोई नया विवाद और ना खड़ा हो जा, सिर्फ इसकी बात है हमें, और कुछ नहीं। जितने भी खाप के जिम्मेदार आ रहे, सर्व समाज के आ रहे, वहां से इकट्ठे होंगे आज सोरम में, वही जो कुछ भी निर्णय लेंगे वही। हमने तो परसों जो कुछ भी हमारे बस की थी बातचीत, हमने तो उन बच्चों को वहां तक पता नहीं किस तरह तक हम उठा के लिए उन्हें, आगे कोई और ज्यादा लफड़ा ना पड़े, तो हम तो इसके लिए हमने या आपात बैठक बुलाई, जो कुछ भी सुलह मशवरे तो होगा। जी, जैसे खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें पे भी फर्क आ रहा है, कि कह रहे हैं नाबालिग थी, पता लग रहा है बालिग थी, अगर कल को आपको पता लगता है कि आपके पास जो खबरें दी गई हैं, सूचना दी है, वो पूरी तरह सही नहीं है, सच नहीं है, तो भी क्या साथ देंगे आप? तो इनका लाइसेंस बन रहा है बालिक नाबालिक का, उन्होंने यौन शोषण का वो आरोप लगा रखा, और मैं खूब खुली कह रही भाई मेरे साथ यौन शोषण हुआ, तो उसमें इसमें गहराई में कहीं की बढ़वाओ भाई, ये बालिक थी नाबालिक थी, जब एक यौन शोषण बदल जाती, पॉस्को नहीं लगेगा अगर बालिक थी तो, नहीं उसका तो मैं देखेंगे उसमें, वे तो बदलवा सके भाई, वे उसमें उम्र बत्ती करवा सके, उनके परिवार ने ये दावा किया है, नहीं चलो वो तो उसमें देखेंगे भाई, मजे नहीं उस बारे में पता चलते। हाँ। दूसरा ये ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में कोई भी मामला मेरे पे साबित हो जाए तो मैं खुद को लटका लूंगा, हर सजा भुगतने के तैयार हूँ। नहीं सजा तो उसे दिख रहा भाई, उसे तो दिख रहा भाई किस तरह की, वो तो जीते जी मर रहा, इतने आरोप उस पर, करोड़ों आदमों की निगाह है, सबके निगाहों में ब्रजभूषण ब्रजभूषण ही आ रहा, ब्रजभूषण इस यो आरोप ब्रजभूषण पर लग रहा, और वो तो जीता जी मर रहा, और हम तो नु गए वो अपना इन्हें
उनकी बिरादरी के ही हम सौंप देंगे, या आदमी दे देंगे जो हमारे साथ भी है, वो खाप चौधरी कोई कह दो उनको भाई मेरे भी आप लोग मेरे भी हो और मजे जुकर भी करो, हम ठा के उसे उसे दिल्ली पुलिस को दे देंगे अपना ठीक है, आगे जो कुछ भी होता रहेगा वो है, उस बिना कोई भी समझौता नहीं होने का, हम भी कुछ भी कर लो ना कुछ कर लो, हमारे पे भी उंगली उठने लगे बिना मतलब की कोई कुछ भी बात है कोई वो नहीं है, सिर्फ समझौता समझौता गिरफ्तारी बिना बात नहीं बनने की, आर पार की नहीं। एक तो बताओ सम्मान बचाने के लिए तो जंग जारी रहेगी, इसमें कोई पीछे नहीं हटने का, हाँ हमारे तो कुछ भी नहीं लेने की बातचीत, अगर हम इनके महिलाओं की खिलाड़ियों की हम इनकी मान सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे पे तो कुछ भी नहीं लेने का, क्या हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या वो देंगे, हमारा तो सब कुछ लूट जाएगा। और हमेशा मान सम्मान की लड़ाई लड़ी चोर साहब ने भी, टिकैत साहब ने, भोपे का नईमा कांड हुआ और हुए कई कांड, उन्होंने कोई किसी जाति मजहब की कोई किसी बिरादरी की नहीं देखी बातचीत, एक एक न्याय की लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ी, भाई कहीं कुछ भी हो नाम रहा उनका इसी उसमें कोई कोई। अच्छा ये बताइए आज जो आप लोग पंचायत कर रहे हैं, खाप पंचायत, तमाम खापे उसमें आ रही हैं, किस तरीके के फैसले लिया सकते हैं, क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं कि दिल्ली का जो दूध है बिजली है वो जो दूध और सब्जी है वो बंद कर दिया जाए, तो किस तरीके के फैसले लिया सकते हैं? नहीं नहीं गंभीरता से लेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है भाई, उनकी क्या खता है जिनकी दूध सप्लाई दूध और यो सब्जी बंद हो, उनकी तो कोई खता नहीं, मैं भी साथ ही है, और इस तरह का वो करना निर्णय लेना ठीक हम तो अच्छा नहीं मानते, खैर सुलह मशवरा सभी अपनी राय अलग अलग दे, अलग अलग विचार है लोगों के, पर हम इस तरह पे विश्वास नहीं करते भाई दूध सब्जी बंद क्यों करे, बात जो मुद्दा है उस पर बात उस पर चर्चा करनी चाह, जो या तो पैदल मार्च निकले या कुछ भी हो जैसा भी हो, कुछ जितने के भी जो ज़्यादा की राय होगी ना वही तो जो ये जिम्मेदार है, सब हरियाणा के भी है पंजाब के भी है उत्तराखंड के भी है उत्तर प्रदेश के भी है राजस्थान के भी शायद आओगे पंजाब के भी आओगे, तो उनकी सबकी सुलह ली जाएगी, और बड़े बड़े समझदार आदमी जिम्मेदार आदमी जिन्होंने संघर्ष करा, हालांकि हमारी तो ऐसी बात नहीं, हमने तो संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा है उसमें भी मेरे तो उसमें भी कोई भागीदारी नहीं, मेरी अपने बता रहा मेरे तो यही है थोड़ा सा लोकल का सामाजिक वो है हिसाब, में बच्चे वहाँ से हरिद्वार आ गए थे तो हमने मेरे से नज़दीक पड़े उन्हें कोई किसी को पता भी नहीं था, कोई जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी भी बनी थी, तो हम नज़दीक होने के नाते हमें पता लगा, तो हमने बिल्कुल कोई भी वो नहीं ना किसी की सुलह ली, हमर चोर साहब थे श्याम सिंह जी हम चले गए वहाँ से, खैर उन्होंने बच्चों ने हमारी बात मान ली, सब तो बड़ी तो यही बात है। ये भी आरोप लग रहे हैं खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई और इनके पीछे है? नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं, ये तो बेकार सोच के आदमी तरह तरह के आरोप लगा हुए कहीं के बाद, जिनकी जो अपनी मान सम्मान की अपनी इज्जत की वह खातिर इस तरह के थोड़ा आरोप लगा हुआ उन पर है, वे पीड़ित है तो उनकी सुनाई होनी चाह। ठीक है, तो सबकी नज़रें इस खाप पंचायत में हैं जो कि मुजफ्फरनगर के सौरभ में होने जा रही है, और साफ तौर पर जिस तरीके से खिलाड़ी जो हरिद्वार पहुंचे थे उन्होंने जो अपने मेडल जो हैं वो नरेश टिकैत जी को सौंपे थे तो साफ तौर पर कहा था कि 5 दिन का समय वो दे रहे हैं, 5 दिन तक खापे जो हैं वो फैसला लें, जो किसान बुजुर्ग हैं वो फैसला लें, उसके बाद जो है खिलाड़ी अपना आगे का तय करेंगे। लेकिन आज की जो पंचायत है काफ़ी अहम है, क्योंकि अब आगे इस आंदोलन को किस दिशा में लिया जाए उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। अपने वीडियो के साथ चेन भाटी, TV9